So, one part is unsolved. So see what, कि क्या होगा हमने बाकी तो जो भी क्वेश्चन है वो कर लिया है लेकिन थोड़ा सा बच रखा है सेविंग ज्यादा होने का मतलब है इनकम ज्यादा होगा आपको लगता है ऐसा सेविंग अगर ज्यादा है तो इनकम लेवल ज्यादा होगा यस और नो बताइए तो आप अगर ग्राफ अगर देखिएगा मैंने आपको सारे वीडियो सारा ये सब का मैंने विडियो बना रखा है ठीक है ना तो जो कोई भी देख रखा है या पढ़ रखा हो तो उन्हें पता होगा सेविंग सेविंग फंक्शन फंक्शन की ग्राफ कैसा है सेविंग में इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे हो सो दिस इज आवर सेविंग सेविंग फंक्शन की ग्राफ यहां से स्टार्ट होती है, है ना यहां से स्टार्ट होती है ठीक दिस इज आवर इनकम एंड आउटपुट लेवल एंड दिस इज कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कि अगर सेविंग हमारा भैया जीरो है फिर भी लोग माइनस कंजम्पशन तो कर रहे हैं कुछ तो खाए पिएगा ही अगर कंजम्शन सेविंग जीरो है लेकिन जैसे जैसे वो इनकम अर्न करेंगे जैसे जैसे उनका सेविंग क्या होगा धीरे 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 बढ़ते जाएगा लेकिन अभी भी निगेटिव के अंदर है क्या है निगेटिव सेविंग इज इक्वल टू निगेटिव एक पॉइंट आएगा यहाँ पे सेविंग जीरो हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि जैसे इन, इनकम अगर ज्यादा लोग कमाने लग जाएंगे तो सेविंग क्या हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर कि लोग खा कम रहे बचा ज्यादा रहे दैट इज सेविंग इज पॉजिटिव सो दिस इज द कर्व ऑफ द सेविंग फंक्शन ओके एंड वी नो वट की दिस इज अवर हमारा ये ये क्या था हमारा ये इनिशियल दैट इज रेफरेंस लाइन जो बीच से डिवाइड करते जाता है दैट इज ए डी इज इक्वल टू आई ये हमारा क्या है इनिशियल लाइन रेफरेंस लाइन जो बताता है कि इक्विलिब्रियम लेवल इस पॉइंट पे होगा तो जहां पर भी इसे कट करेगा उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लेवल होगा दैट इज जितना डिमांड कर रहे उतना ही इकोनॉमी के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है ना तो जहां पर भी कट किया तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल इनिशियली ओके okay? अब बोला गया सेविंग भैया बढ़ गया लोग सेव पैसा ज्यादा कर रहे और खर्च पैसा कम कर रहे तो लोग अगर बचा रहे हैं ज्यादा पैसा तो सेविंग कब कैसा शिफ्ट करेगा ऊपर की ओर ऊपर की ओर लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं कंजम्पशन अब कम कर रहे हैं तो ये किधर शिफ्ट करता है अपवर्ड तो ये शिफ्ट किया कुछ वर्टिकली सेविंग फंक्शन। तो हमारा इनकम पहले किस लेवल पे था इस लेवल के वन सेकेंड समवन कॉलिंग मी गिव मी अ सेकेंड प्लीज भैया क्लासेस okay? तो ये हमारा सेविंग फंक्शन जो है वो की किया? की अब हमारा ऊपर की ओर अगर सेविंग फंक्शन शिफ्ट किया तो इक्विब्रियम लेवल इनिशियली कहां पर था वाई वन लेवल पे अब हमारा इक्लेब्रियम लेवल कहाँ पे होगा इस पॉइंट पे ई टू पॉइंट पे कट किया और इक्लेब्रियम लेवल कहा जाएगा वाई टू पॉइंट पे तो so सेविंग बढ़ने के कारण हमारा क्या सेविंग बढ़ने के कारण हमारा क्या इक्विलिब्रियम लेवल डिक्रीज किया यस और नो ट्रू ग्राफ वी कंस्ट्रक्ट वी फाइंड कि सेविंग के बढ़ने के कारण इनकम लेवल पे क्या इफेक्ट पहुंचा तो so सेविंग हमारा इंक्रीज करने के कारण ग्राफ हमारा जो सेविंग फंक्शन का है वो अपवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा और ये कट करेगा जो हमारा y2 लेवल पे जो कि पहले से कम होगा समझ रहे तो हम लोग क्या कहेंगे सेविंग लिट्स टू इनकम? No. No. ये बता रहा है कि नेशनल इनकम हमारा क्या हुआ भैया कम हुआ ज़्यादा होने के कारण. नेशनल इनकम गेट रिड्यूसेस एनी प्रॉब्लम एनी सिंगल पोर्शन एनी सिंगल पोर्शन जिसे प्रॉब्लम हो रहा हो आयुष तो लेट आया तो उसे ये क्वेश्चन भाई ए, रिकॉर्डेड पार्ट से आप देखना ठीक है ना तो ये ये हमारा क्वेश्चन रहा आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े एवरी वन यार देखिए आपके और मेरे बीच में एक सिंपल सा कनेक्शन है ना ये चैटबॉक्स का और कुछ का नहीं ये चैटबॉक्स का तो जितने भी पार्टिसिपेंट है उसको येस और नो कहते रहना है ताकि उन्हें भी लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं नहीं तो सिंपली वो बाजन की तरह सुनते रहेंगे सो लेट्स कम टू दर पार्ट अनदर क्वेश्चन ये 2014 का था ये और टू के अंदर पूछा गया देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है What is the investment multiplier? सभी को बताना चाहिए investment multiplier क्या है, है ना? भैया 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 में y equal to c plus I, Change की अगर बात करते हैं आ, तो y equal to c plus i. अब हम क्या करते है? हम ये डेनोमेटर के अंदर बोथ साइड के अंदर वाई से डिवाइड करते हैं वाई से हम क्या करे? divide करें डिवाइड करें डेल सी प्लस डेल आई वाई डेल वाई ये तो ये हमारा क्या बन जाएगा ये ये कैंसिल आउट हो करके वैल्यू वन इज इक्वल टू ये डेल सी वाई डेल वाई हमारा क्या है हमारा कंजम्पशन फंक्शन है और ये हमारा ये, और ये हमारा डेल आई वाई डेल वाई जी अब हमें वन माइनस सी उधर लेकर के जाए अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन के मल्टीप्लायर के लिए क्या होता है फॉर्मूला डेल वाई वाई डेल आई उसके लिए हमें क्या करना होगा वन वन वाई वन माइनस सी सो दिस इज आवर फार्मूला दिस इज आवर फॉर्मूला लेवल ओके ठीक है ना कि इस तरीके से हम मल्टीप्लायर को डिराइव करेंगे ठीक है so सो दिस इज आवर हमारा मल्टीप्लायर कैसे डिराइव करते हैं नेक्स्ट वन इज वट हाउ इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिटर्माइंड कैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू डिटरमाइंड करते तो मल्टीप्लायर की वैल्यू डिटरमाइंड होता है इस सी के ऊपर ये सी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ये बढ़ेगा समझ रहे हैं तो इसकी वैल्यू को क्या बनाएगा छोटा बनाएगा और ओवरऑल वैल्यू को क्या बनाएगा बड़ा बनाएगा यही से हम कह सकते वन बाई एम पी एस एम पी एस वन बाई वन माइनस सी एम पी एस अगर एम की वैल्यू कम होगा तो ओवरऑल की वैल्यू ज्यादा होगा एम की वैल्यू कम होगा दैट इज ज्यादा होगा तो ओवरऑल की वैल्यू कम होगा सो दिस इज़ द गेटिंग ओके नेक्स्ट वन मेंशन वे वेरियस लीकेज इन द मल्टीप्लायर प्रोसेस मल्टीप्लायर प्रोसेस के अंदर वेरियस लीकेज क्या बिकॉज वी कांट बी कि एक्चुअल में हमारा कितना इंक्रीज हो रहा हूं. एक्चुअल में हमारा कितना मल्टीप्लायर के अंदर बढ़ रहा है ये हम एक्चुअल डाटा नहीं कर सकते हमें बताते कि अच्छा इतना मल्टीप्लायर है इतना बढ़ने के कारण मल्टीप्लायर uh, से मल्टीप्लिकेशन होकर इतना मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहा है बट एक्चुअल में कुछ इकोनॉमी के अंदर अलग होती है और इसे प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है दैट्स समथिंग नेक्स्ट वन इज विल द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इफ सी इज इक्वल टू देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा कितना आसान फंक्शन आपको दे दिया है हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड प्लस मल्टीप्लायर क्या होगा दिस इज कैपिटल सी नॉट अ स्मॉल सी मल्टीप्लायर के अंदर ये वन माइनस वन बाई वन माइनस सी है तो सी जगह पे ये पुट करके नहीं आ जाना है नहीं तो जीरो मिलेगा ठीक है ना ठीक है ना तो दिस इज दिस इज अब हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू जानना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे दैट इज वी नो फार्मूला सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई सी इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई वी नो एंड दिस स्मॉल सी इज व्हाट एम सी यही तो एम था और ये स्मॉल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है जीरो पॉइंट सेवन फाइव और आपसे मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछा है ऊपर yes no? yes. जाएगा तो हंड्रेड बाई ट्वेंटी फाइव दैटिप्स फोर अस फोर सो सी कहां से फाइंड करना है दिस इज ये जो हमारा स्लोप दे रखा है दिस इज स्लोप डेट द वैल्यू ऑफ अ स्मॉल सी इसको पुट करना है जाकर समझ में आ रहा है हा हितार्थ वेल डन ओके आगे बढ़े किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर कि इन्वेस्टर मल, इन्वेस्टर मल्टीप्लायर क्या होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है कंजम्पशन फंक्शन से हम कैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम एनी सिंगल पोर्शन एनी वन नो उज्वल सो रहे बोला करो विजय विजय यू हैव टू पार्टिसिपेट ओके आई एम ऑलवेज से दिस थिंग पार्टिसिपेट करना है भैया जो सीए कर नाम से आया है ना प्लीज अपने नाम को सही करके आ जाए तो सही होगा एक्चुअल नाम दिखाओ ना कौन सा आपको यहाँ पे एफ आई आपके ऊपर हो रहा है जो आप नाम भी नहीं सो कर सकते हैं? ठीक है ना इसलिए आप एक्चुअल नाम करके आओ जो कोई भी है भाई ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग बिटवीन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल जीडीपी हाउ वुड बी द करेक्ट दिस जीडीपी इन द थ्री सेक्टर मॉडल जीडीपी क्या होता है एक्चुअल और पोटेंशियल लेवल मैं बता रखा हूं अच्छे तरीके से Uh, मैं शॉर्ट तरीके में अगर अभी बात करूं तो मैंने वहां पे ग्राफ में बात किया था क्लास के अंदर भी बात किया था मैंने ऑफलाइन कि किस तरीके से हम निकालते प्राइस और ये जीडीपी लेवल रियल जीडीपी दिस इज आवर डिमांड ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है डाउनवर्ड स्लोपिंग दिस इज आवर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई ठीक है ना ओके तो इस लेवल पे अब देखिए हमारा इकोनमी क्या होता है कि पोटेंशियल लेवल अगर बात करें लॉन्ग रन के अंदर ही हमारा फिक्स होता है लॉन्ग रन के अंदर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या हमारा हमारा फिक्स होता है कि हमारा इस लेवल पे प्रोड्यूस होगा लॉन्ग रन के अंदर दिस इज द पोटेंशियल लेवल बट ये हमारा क्या बता रहा है कि अभी हमारा इस लेवल पे है तो एक्चुअल हमारा कहा है इस लेवल पे एक्चुअल तो पोटेंशियल क्या है ज्यादा देन व्हाट एक्चुअल पोटेंशियल लेवल है वैसा लेवल

दैट इज एक्चुअल माइनस पोटेंशियल एक्चुअल की वैल्यू यहाँ पे क्या है कम है पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव तो आउटपुट गैप यहाँ पर क्या आएगा कि आउटपुट पे कम है ना दैट इज इज द गैप उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं उसी तरीके से आप सेम वे में आप दिखा सकते हैं जब आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो और चाहिए था पोटेंशियल कम ग्राफ के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस इज अवर ये हमारा लेवल है एक्चुअल लेवल ये हमारा क्या है एक्चुअल लेवल पे इस लेवल पे जीडीपी प्रोड्यूस करेगा जी डी पी एट एक्चुअल लेवल दिस प्राइज और जीडीपी रियल जी डी पी का रिलेशन ये क्या है पोटेंशियल लेवल जीडीपी एट पोटेंशियल तो एक्चुअल क्या है ज्यादा डेनवर्ट पोटेंशियल ज्यादा इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है जितना उसे करना चाहिए था. तो आउटपुट गैप की अगर बात करें तो क्या कहते हैं एक्चुअल एक्चुअल माइनस पोटेंशियल पोटेंशियल जहां पे ज्यादा है, तो है, है तो ए की वैल्यू ज्यादा है अगर पोटेंशियल से तो ए माइनस पी की वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव तो आउटपुट गैप क्या होगा पॉजिटिव समझ रहे हो तो इस तरीके से आप आउटपुट गैप को कर सकते हो ए एक फाइनल जहां पर हमारा एक्चुअल और पोटेंशियल सेम होगा कहां पर जब ये कर्व हमारा वर्टिकली थर्ड केस में कुछ इसी के ऊपर आ जाएगा तब कहेंगे पोटेंशियल और एक्चुअल सेम है और जहां पर आउटपुट गैप की वैल्यू ए माइनस पी की वैल्यू जीरो आएगी गेटिंग माय पॉइंट एक्चुअल पोटेंशियल सेम है दैट्स व्हाई आउटपुट गैप इज जीरो सो दिस थ्री ग्राफ वी डिस्कस इन द लेक्चर्स ओके मैंने कर रखा है नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू इतना वाई डी इज इक्वल टू इतना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जी की वैल्यू दिया हुआ है टैक्सेस दिया हुआ है वट द रिक्वायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इफ द गवर्नमेंट राइस इज जेडीपी वाई फाइव हंड्रेड करोड़ कितना हमें हमें जरूरत है गवर्नमेंट वांट द राइस टू फाइव हंड्रेड करोड़ तो क्या क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले समझिए सी की वैल्यू दे रखा है जी दे रखा है ओके दे रखा है ओके सी की वैल्यू दे रखा है ओके, okay. ये क्या है डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो टैक्सेस से हट करके जो आपके पास पैसा बचे अच्छा टी की वैल्यू दे रखा है हाँ. कितना तो तो पे पे की जो पूछ नहीं कर सकते इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वाई दैट इज वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सेवन वाई यस और नो यस कि ये हमारा जीरो पॉइंट सेवन वाई दिस इज हमारा वाई डी की लेवल ओके okay. फिर क्या बोला वाट वुड रिक्वायर्ड करोड़ मतलब हमको जीडीपी जो वाई की वैल्यू है ना भैया वो पांच सौ करोड़ चाहिए तो बताइए सरकार को कितना जरूरत पड़ेगा इंक्रीज करने से अभी सरकार का खर्च है सौ कितना खर्च है अढ़ाई सौ करोड़ अब चारे सरकार की वो पांच सौ करोड़ के ऊपर जी डी पी हमारा इंक्रीज करे तो कितना लेवल सरकार को खर्च करना चाहिए तो so, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि हमारा मल्टीप्लायर क्या है समझ रहे हो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है मल्टीप्लायर की क्या है सी इज इक्वल टू हमारा गिवेन है भैया वन प्लस कितना जीरो पॉइंट सेवन फाइव डी वाई डी एंड दिस से हम रिलेट करेंगे सी बार प्लस सी वाई डी ये सी क्या है हमारा सी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव सो मल्टीप्लायर एम इज इक्वल टू 1 1 c 1 1 0.25 ओ सॉरी 0.75 इज इक्वल टू 1 0.25 इसे अगर करेंगे तो 100 25 दैट इज 4 तो so, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितने है 4 मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है ये तो बोला है भैया हमें 500 करोड़ बढ़ाना है हमारा इनकम राइज़ करना चाहिए कितना से 500 करोड़ से तो बताइए हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग कितना बढ़ाना पड़ेगा समझ रहे हो तो किसी को अगर याद हो तो मैंने बात किया था एक बार कि हमारा इनकम लेवल आपका दिया हुआ है मल्टीप्लायर आपके पास पता है और बोल रखा है कि ऑटोनोमस पार्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हमको चाहिए ऑटोनोमस कितना पैसा और हमें चाहिए ताकि 500 करोड़ इंक्रीज करे कितना पैसा जरूरत है तो ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे है। यहाँ पर ऑटोनोमस पार्ट क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च करे जिससे इनकम लेवल हमारा इंक्रीज हो कितना से पांच सौ करोड़ से बताइए तो हम क्या कर सकते हैं इनकम लेवल गिवेन है बढ़ना कितना चाहिए पांच सौ से मल्टीप्लायर दिया हुआ है हाँ कितना फोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपको जरूरत है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पांच सौ करोड़ करने के लिए फोर को उधर लेके जाइए फाइव हंड्रेड बाई फोर इज इक्वल टू इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सरकार को जरूरत है एक सौ पच्चीस करोड़ का तब हमारा जी डी पी पांच सौ करोड़ से इंक्रीज करेगा यस और नो एवरी वन एवरी सिंगल पर्सन एवरी सिंगल पर्सन आपको समझ में आया भैया मैं प्रीतम आई एम अनेबल टू चेंज आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम माई लैपटॉप ओके ओके प्रीतम ज्वाइन बी योर लैपटॉप एवरी वन तरीके से दिया हुआ क्या था चाहिए हमें चाहिए इकोनॉमी एक, जी डी को 500 करोड़ से ज्यादा करना है मल्टीप्लायर हम फाइंड कर रखें कितना लेवल से ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं ताकि 500 करोड़ हमारा जीडीपी बढ़े तो हम मल्टीप्लायर को ले जाएंगे उधर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकल लाएगा एवरी सिंगल पर्सन ओके मुझे तो नहीं लगता ये यही सिर्फ सात आठ लोग यहाँ पर हैं मुझे आशा है यहाँ यहाँ पर टोटल सत्रह सत्रह लोग हैं हाँ तो मैं आशा करता हूँ कि सभी कोई नकुल यू आर जॉइनिंग फर्स्ट टाइम लेकिन प्लीज आप पार्टिसिपेट करें ओके सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ज्वाइन अगर आप पार्टिसिपेट uh, नहीं करते तो इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और मुझे पसंद नहीं है कि ये सत्रह लोगों में सिर्फ सात लोग मैसेज करे और मुझे लगे साथी ही लोगों को समझ में आए इसलिए सभी को अगर समझ में आए तो सभी कोई मैसेज करे यस 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 नहीं समझ में आए तो नो समझ रहे तो ये मेजरमेंट मेरा होता है कि सारे कोई को समझ में आ गया ओके

समझ रहे वो, वो देखें जो ट्रेंड है आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार वार, बार 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 हर साल वो आप वो आपको 10-20 मिनट के अंदर आपको पता चलने लगेगा जब 15-16 को क्रॉस करेंगे ना तब आपको पता चलने लगेगा इक्वलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी पता करना ये सी प्लस आई जी सभी का वैल्यू दे रखा है यस यस वेल्डन ओह सॉरी वेल्डन कॉपी वी नो सभी का वैल्यू देखा सी आई जी और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो वी नो व्हाट फ्रॉम एक्सपेंडिचर मैथड वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स नो यस दिस इज आवर थ्रू एक्सपेंडिचर मैथड ये ओके जहां पर ये हमारा क्या है NX क्या yes है no? yes. okay. NX इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दैट इज एक्स माइनस एम x m तो अब देखिए जो जिसका भी वैल्यू दे रखा है उसको सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे सिंपली और फाइंड करेंगे जिसका भी वैल्यू दे रखा है इसको पुट करेंगे और फाइंड करेंगे सो so, y is equal to c का वैल्यू कितना दिया है 100 प्लस कितना 0.6 और y d है. इस y d को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे टैक्सेस की वैल्यू भैया 200 दे रखा है तो टू हंड्रेड यस नो यस सो वो सो वी पुटिंग की जो वाई माइनस टू हंड्रेड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सिर्फ वाई डी की जो वाई माइनस टी टी की वैल्यू दे रखा था पुट कर दी आई का वैल्यू कितना है भैया 500 करोड़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग 800 करोड़ और एक्सपोर्ट एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है टू हंड्रेड और इम्पोर्ट कितना है आपका फिफ्टी प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई ओके तो ये अब सारा आप आपको देखो क्या पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी मतलब आपको वाई की वैल्यू पता करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सभी का मतलब एक है कि वाई का वैल्यू आपको चाहिए अच्छा तो सारा इक्वेशन आपका वाई के अंदर कन्वर्ट नहीं हो गया हाँ भैया हो गया अब सारे को वाई को एक साइड करेंगे और फाइंड करेंगे हमारा वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगा अच्छे से यही ना प्लस देखिए अगर कहीं कैलकुलेशन में गलत तो होगा तो आप तुरंत मैसेज करें ताकि मैं रुकू एट हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड माइनस फिफ्टी प्लस जीरो पॉइंट थ्री सो दिस इज आवर ओके ओके दिस इज माइनस बिकॉज ये ओवरऑल के माइनस है ओवरऑल के ऊपर ये क्या है माइनस है हमारा सो दिस इज माइनस ठीक है ना ओके सो अब हम इसे करें तो वाई इज इक्वल टू कितना हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड प्लस एट हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड कितना हुआ हमारा सिक्सटीन हंड्रेड ओके और सिक्सटीन हंड्रेड में अगर माइनस वन ट्वेंटी करे तो हमारा कितना आता है माइनस फिफ्टीन फिफ्टी करे तो 1430 थर्टी सो दिस इज आवर हमारा ये पार्ट कहीं गलत देख लीजिए सौ 600 सौ चौदह सौ सोलह सौ और एक सौ सत्तर अगर सोलह सौ में माइनस करे दैट इज फोर्टी थर्टी जीरो पॉइंट सिक्स वाई और यहाँ पे जीरो पॉइंट थ्री वाई

जीरो फोर टू जीरो फोर टू सिक्स एट सो दिस इज आवर इतना करोड़ रूपी एनी प्रॉब्लम किसी को भी कोई प्रॉब्लम बस ये क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन था सारे वैल्यू को पुट कर एक सिंपल सा चीज कि वाई डी की वैल्यू हमको सारे को वाई में कन्वर्ट कर करना है तो वाई डी की वैल्यू वाई माइनस टी है टी की वैल्यू दे रखा है तो वाई डी की जगह पे वो पुट करनी एवरी सिंगल पर्सन एवरी सिंगल पर्सन आगे बढ़े हा ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वट इज द वैल्यू ऑफ एमपीएस यही तो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब एमपीएस का वैल्यू बताइए भैया क्या यार ऐसा क्वेश्चन कहा है पूछता है दैट इज एम पी एस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए वन माइनस यही तो होता है वन माइनस सी सी का वैल्यू दे रखा है स्मॉल सी का जी अच्छा कहा है लाइए खोज करके दिस वन कंजम्पशन फंक्शन सो की वैल्यू 0.4 नॉट दिस इज मल्टीप्लायर गोपी रिमेम्बर पूछा हमसे क्या है एम पी एस बताए मल्टीप्लायर की वैल्यू है गोपी समझ तो रहे हो ना ना हा ओके नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम क्या है डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वाई डी मजलो ना वैसा इनकम जो टैक्सेस को छोड़ के जो एक्चुअल में आपके पास अवेलेबल है टैक्सेस को हटा करके तो वाई डी का वैल्यू चाहिए भैया क्या जानते हैं वाई माइनस टी आपका तो लिख रखा था यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी फॉर्मुला होता है डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू टैक्स को माइनस करो वाई uh, की वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है जी कर रखा है कितना ये माइनस माइनस टैक्सेस की वैल्यू वैल्यू करो 200. जो भी आएगा डिस्पोजेबल इनकम तो इस तरीके से कहेंगे टैक्सेस को माइनस करो इज द नेट एक्सपोर्ट एट द इक्विलिब्रियम लेवल नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा सो नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखा था हाँ कितना टू हंड्रेड इम्पोर्ट की वैल्यू कितना था फिफ्टी प्लस जीरो अब क्या आपको सिर्फ वाई की वैल्यू को पुट करना है जीरो पॉइंट थ्री वाई की वैल्यू टू जीरो फोर टू पॉइंट एट और इसे आप कैलकुलेट करके जो भी आपकी वैल्यू आएगा ये हमारा नेट एक्सपोर्ट आएगा अगर माइनस में आता है

एक्सपोर्ट इंक्रीज किया तो जीडीपी के अंदर कितना इंक्रीज किया तो यहाँ पर ये 200 से जो है वो क्या करेंगे 300 300 हम बना देंगे इसको 300. तो अगर 100 100 एक्सपोर्ट बढ़ बढ़ रहा है, ये 100 बढ़ रहा है है ये तो हमारा इधर इनकम भी कितना बढ़ेगा 100 तो इधर इनकम भी 100 हमारा इंक्रीज करेगा सिंपली सो दिस इज आवर ओवरऑल क्वेश्चन किसी को कोई प्रॉब्लम एनी सिंगल पर्सन जिसे प्रॉब्लम हो रहा हो

डेट इज दी बार प्लस सी बाई डैट स्मॉल सी की वैल्यू तो स्मॉल सी की वैल्यू को पुट करो यहां पर एम पी सी की जगह पे जीरो पॉइंट फोर गेटिंग सॉ गेटिंग आयुस आज गेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया आयुष हाँ या ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए आयुष समझ में आ गया नहीं आया अच्छा देखो आयुष क्या होता है ये तो पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन पता होना चाहिए नहीं पता है तो याद कर लीजिए क्योंकि अब मैं डिराइव करके नहीं बताऊंगा ठीक है ना हमसे पूछा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा इसका होता है वन माइनस एमपीसी को इधर लेके आई MPC क्या है स्लोप है किसका कंजम्पशन कंजम्पशन फंक्शन फंक्शन का किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से दे रखा है आयुष प्लस और कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ये स्मॉल का वैल्यू कितना है तो MPS अगर हमें चाहिए, तो MPS नो ओके यस सो अब हम आगे बढ़ते हैं क्या प्रिंस इतना लेट आओगे इतना लेट आओगे आगे गए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है बैंक के अंदर तो आपको बताना होगा अच्छे तरीके से कि कैसे किया जाता है कि ₹1 ऐड होने के कारण फिर से वो Mac, eh, फिर से मल्टीप्लायर के थ्रू वो एक रुपए में से कुछ पार्ट खाएंगे फिर से वो फिर से जो अभी मैंने बताया लोन रिजर्व के अंदर रखेंगे फिर 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 से 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 वही जो पैसा देंगे, फिर से आएगा पैसा देंगे आएगा होगा फिर से कुछ रिजर्व फिर वो पैसा देंगे फिर से आएगा पैसा डिपोजिट के अंदर कुछ रिजर्व फिर से लोन देंगे फिर पैसा आएगा सो दिस इज द इस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है बैंक के अंदर ठीक है नेक्स्ट वन इज इफ सी आर आर चेंज टू जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू सीआरआर क्या होता है जो आ, जो पैसा रखे बैंक जाकर के आरबीआई के पास रिजर्व के फॉर्म में सीआरआर रिजर्व है बढ़ा बढ़ा गया गया रिजर्व को बढ़ा दिया गया. .1 से पहले एक रुपए रखना था सॉरी पहले टेन परसेंट रखना था अब ट्वेंटी परसेंट रखना है व्हाट विल चेंज इन द क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन के अंदर क्या चेंज होगा बताइए तो पहले दस परसेंट पैसा रखना था तो बैंक के पास कितना मौजूद था नब्बे तो अब बोला गया कि ये पॉइंट टू परसेंट हो गया मतलब ट्वेंटी परसेंट हो गया सीआरआर की तो अब कितना रखना है पॉइंट टू रुपीज तो लोन के लिए कितना बचा पॉइंट एट रुपीज तो हमारा क्या कि जो जो बैंक के पास जो पैसा है मनी सप्लाई जो है वो क्या होगा डिक्रीज करेगा यस और नो ड्यू टू इंक्रीज इन सीआरआर ऐसे भी हम फॉर्मूला जानते हैं एम एस इज इक्वल टू 1 बाय सीआरआर इनटू मनी सप्लाई है ना कि अगर हमारा सीआरआर बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई हमारा क्या होगा कम होगा ये सॉरी दिस इज आवर डिपॉजिट दिस इज आवर डिपॉजिट अगर हमारा सीआरआर इंक्रीज डिनोमेटर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा कम होगा कितना पहले अगर जीरो तो इंक्रीज तो करेगा टेन डी से समझ रहे हो अब हमारा ये कितना हो गया अब हमारा जीरो पॉइंट टू हो गया इन टू वट डी टेन ऊपर लेकर के जाइए टेन बाई टू डी ये कैंसिल आउट गए फाइव डी सो आवर मनी सप्लाई डिक्रीज़ेस हाफ हाफ अमाउंट से हमारा डिक्रीज कर ओके ओके भैया फिर से. Okay. देखो यार क्या बोला है कि सी आर आर क्या होता है सी आर आर होता है कि ये बैंक है आप जब पैसा बैंक के अंदर जमा करते हैं ना तो कुछ बैंक को अमाउंट रखना पड़ता है जाकर के आरबीआई के पास किस फॉर्म में रिजर्व के फॉर्म में आरबीआई कहते हैं इतना पैसा मेरे पास तुमको रखना है जो भी होगा इतना परसेंट पहले था पॉइंट वन परसेंट दैट इज पॉइंट वन हंड्रेड से डिवाइड करिएट इज से मल्टीप्लीकेशन तो परसेंट।, so, परसेंट पहले था मतलब सौ मतलब सौ रुपए में आ, या एक रुपए में पॉइंट वन रुपीज आपको रखना है सौ रुपए में दस रुपए आपको आरबीआई के पास रखना तो ये तो इनिशियली हमारा अगर डिपोजिट डी था और क्या और उन्होंने कहा कि जीरो पॉइंट वन है आपका सीआरआर दस परसेंट का तो ये कितना आएगा हमारा मनी सप्लाई टेन डे हुआ कितना डी अब मनी सप्लाई अब क्या हुआ हमारा सीआरआर की वैल्यू बढ़ा दिया गया बढ़ाने का मतलब अब रिजर्व के अंदर बैंक को ज्यादा रखना है रिजर्व के अंदर ज्यादा रखना है ट्वेंटी परसेंट तो बाकी कितना परसेंट बचेगा उसको लोन देने के लिए पैसा सौ रुपए में बीस रुपए अब रखना है अस्सी रुपए ही ना बची पहले से कम बची अब अस्सी सिर्फ ये लोन दे सकता है तो अस्सी रुपया लोन देगा तो, मन, तो मनी क्रिएशन क्या होगा कम क्योंकि तो बैंक के पास फंड कम है तो क्रिएशन मल्टीप्लायर कम होगा फंड कम होगा ओवरऑल मनी सप्लाई कम होगा और थ्रू नोम हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब सी भैया बढ़ेगा जीरो से जीरो तो ये टेन डी जो हमारा मनी सप्लाई है वो फाइव डी के ऊपर आ जाएगा तो हाफ हमारा डिक्रीज करेगा गेटिंग गेटिंग कार्तिक सौरभ एवरी वन गोपी हा तो दिस क्वेश्चन तो सी आर आर का पहले भी क्वेश्चन आ चुका था यह भी एक क्वेश्चन आया नेक्स्ट वन इज ये दो हजार पंद्रह का क्वेश्चन देखा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्म लेवल ऑफ इनकम एंड कंजन एंड सेविंग ठीक है ना डिफाइन मार्जिनल सी की वैल्यू दे रखा है आई जी टी सबके वैल्यू दे रखा है बताइए क्या होगा लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग ठीक है ना दे रखा है बताइए क्या होगा तो हमारा पता है सी, आई, जी की वैल्यू दे रखा है वी नो इन थ्री सेक्टर वाईक् टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स

ओके वाई डी की जगह पे हम लिख सकते हैं भैया क्योंकि टैक्सेस दे रखा है तो हम डिस्पोजेबल इनकम में टैक्सेस को माइनस करेंगे इनकम के प्लस हंड्रेड प्लस फोर्टी इज इक्वल टू वाई तो वाई इज इक्वल टू कितना हंड्रेड प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वाई माइनस ये टेन कैंसिल्वेंटी फोर प्लस हंड्रेड प्लस फोर्टी ओके ये हमारा कितना बन जाएगा ये जीरो पॉइंट सिक्स उधर जाएगा